गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का इस वीडियो में फिर से वेलकम है। जैसे कि हमने इसके प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 23 तक, एक्सरसाइज 1C के 23 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिया था, और आज इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1C फिनिश कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्टिंग करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन बचे हैं, मैं ओरली आपको एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ, आप बहुत अच्छे से कर लेंगे इसको। देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, और जहां पर भी कोई भी प्रॉब्लम होगी, अगर मुझको लगता है कि अगर आपको वहां पर कोई प्रॉब्लम हो सकती तो फिर मैं उसको यहाँ पर सॉल्व भी कर लूंगा, करके दिखा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए क्या कह रहा है। द मास ऑफ ए सिलेंडर फिल्ड विद गैस इज 30 kg 250 ग्राम एंड द मास ऑफ द एमटी सिलेंडर इज 14 kg 480 ग्राम, हाउ मच इज द मास ऑफ द गैस कंटेंट इन इट। कह रहा है कि एक सिलेंडर है, उसमें गैस भरी हुई है, और उसका वजन जो दिया गया है, उसका जो मास दिया गया है, वो 30 kg 250 ग्राम है। और फिर कह रहा है कि जो खाली सिलेंडर है उसका जो मास है वो कितना दिया गया है, 14 kg 480 ग्राम। तो पूछा है कि उस सिलेंडर में जो गैस भरी थी उसका कितना वजन होगा। आइए, इसका स्टेटमेंट भी आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा, आप अब स्टेटमेंट खुद से बनाने की कोशिश करिएगा, नहीं तो यहां से अगर मैंने पूरे स्टेटमेंट बता दिए तो आप उसमें फिर अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाएंगे। पहले आप खुद स्टेटमेंट इसके बनाइएगा, और फिर जहां ना आए और फिर उसको मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक। तो आज ये आपको स्टेटमेंट खुद से बनाना है, मैं इसके सॉल्यूशन बता रहा हूं, बट आपको इसका स्टेटमेंट खुद से बनाएंगे, ठीक। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, आपको इसकी हिंदी निकालने के बाद समझ में आई क्या होगा। दोनों को सिर्फ हमको क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे वो भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या दिया गया इसमें, 30 kg 250 ग्राम, आपने क्लास लेते हुए बहुत सॉल्व किए इस तरह के क्वेश्चन। 30 kg में तो 30 लिख लिया, फिर 250 ग्राम था तो 250 ग्राम में लिख लिया, ठीक। और फिर इसमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है, 14 kg और 480 ग्राम, बस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। आगे सबको समझ में आइए, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। इसमें लिखा है, फ्रॉम ए क्लॉथ 5 मीटर लॉन्ग ए पीस ऑफ लेंथ 2 मीटर 85 सेंटीमीटर इज कट ऑफ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग पीस। इसमें कह रहा है कि एक कपड़ा है वो 5 मीटर लंबा है, उससे 2 मीटर 85 सेंटीमीटर का टुकड़ा काट लिया जाता, काट लिया गया। अब कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग पीस, अब जो टुकड़ा बचा हुआ है उसकी लेंथ कितनी होगी। क्या करना है, बहुत इजी, दोनों को फिर से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 5 मीटर में 2 मीटर 85 सेंटीमीटर हटा दिया गया, जो बचेगा वही तो उसकी लेंथ होगी, तो दोनों को फिर क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और सब्ट्रैक्ट इसमें क्या करेंगे, फिर सेम क्वेश्चन इसी तरह का आ जाएगा, ये भी आपने किया हुआ है। 25 नंबर था ना फ्रॉम ए मीटर वाला, और इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पर मीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर, मीटर में 5 है तो मीटर में 5, सेंटीमीटर में 2 मीटर है और सेंटीमीटर में 85 सेंटीमीटर है, तो और फिर जहां खाली रहता है उसी जगह हम 0 फिल कर लेते हैं, और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जो आएगा आंसर। आगे समझ में सबको, बहुत इजी क्वेश्चन इसमें बच्चे, मैं एक बार ओरली आपको समझाया दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा हूँ, बाकी कैलकुलेशन और स्टेटमेंट आप अब खुद से प्रैक्टिस करिएगा, नहीं तो पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो गई है, आज फिनिश हो रही है, अब आप नहीं सीख पाएंगे तो कब सीखेंगे। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 की ओर आते हैं। इसमें लिखा है, इन ऑर्डर टू मेक ए शर्ट ए लेंथ ऑफ 2 मीटर 75 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ इज नीडेड, हाउ मच लेंथ ऑफ द क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड फॉर 16 सच शर्ट्स। कह रहा है कि एक शर्ट बनानी है, एक शर्ट बनाने में 2 मीटर 75 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है एक शर्ट का, तो यहां पर फिर इसको ध्यान दीजिएगा, एक शर्ट का कह रहा है, तो फिर से ये चीज आपको बताया था कि अगर 1 का दिया है तो यहां पर क्या दिया है, 1 शर्ट का दिया है, और 1 शर्ट का कितना दिया है, इसमें मेरे ख्याल से दिया है 2 मीटर 75 सेंटीमीटर, 2 मीटर 75 सेंटीमीटर 1 शर्ट का दिया है, और 16 शर्ट का निकालना, तो 16 शर्ट्स, तो एक का दिया है ज्यादा का निकालना है, क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 275 सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए इसको, तो ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए, आपका आंसर बहुत छोटा, बहुत इजी हो जाएगा, डाउट क्लियर हो जाएगा आपका, और फिर इसमें 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो आएगा फिर उसको फिर से मीटर में चेंज कर लीजिएगा, और वही उसका क्या हो जाएगा आंसर, मतलब मीटर और सेंटीमीटर में कुछ ना कुछ आ रहा होगा, ठीक। कुछ नहीं करते हैं, केवल यहाँ पर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है ना,
तो यहां पर 2 मीटर का देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर, और यहां पर 2 मीटर और 75 सेंटीमीटर दिया, तो 2 मीटर 75 सेंटीमीटर में 200 प्लस 75, और सेम वही आ जाता है 275 सेंटीमीटर। इस तरह के क्वेश्चन भी आपने प्रीवियस क्लास में बहुत किए हैं, तो ये मुझको नहीं लगता कि मुझको बार बार बताने की जरूरत है, आप समझ ही गए होंगे, नहीं तो वैसे तो इसकी टेबल भी होती, वहां से ही आता 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, उसको मैं एक बार बोले देता हूँ, किलो हेक्टो डेका यूनिट डेसी सेंटीमिली, तो कर लेंगे आप, कुछ नहीं करना, सिर्फ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आंसर आ जाएगा। फिर आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 में देखिए क्या कह रहा है, फॉर मेकिंग 8 ट्राउजर्स ऑफ द सेम साइज 14 मीटर 80 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ इज नीडेड, हाउ मच क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड फॉर ईच सच ट्राउजर। कह रहा है अब यहां पर 8 ट्राउजर की दे दीजिए, फिर क्वेश्चन इजी हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन दिए इसमें, क्या है 8 ट्राउजर का दिया है, मतलब कि 27 नंबर में 8 ट्राउजर्स का दिया है, 8 ट्राउजर्स इज इक्वल टू, इसमें 8 ट्राउजर्स में कितने कपड़ा है, कितना लगता है इसके लिए कपड़ा, 14 मीटर 80 सेंटीमीटर कितना लगता है, और निकालना कितने ट्राउजर का, 1 ट्राउजर का, तो क्या करेंगे इसमें, सबको समझ में आ ही गया होगा, ज्यादा का दिया है 1 का निकालना है, दोनों को क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा, और इसको ऐसे ना डिवाइड करेंगे, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए, क्या हो जाएगा फिर से भाई जी, 1480 सेंटीमीटर अपॉन 8, और चेंज कर लीजिएगा, फिर उसको पॉइंट में ले आइएगा अगर आ रहा हो तो, और फिर उसको सेंटीमीटर में मीटर में चेंज करके वही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे सबको समझ में, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टू सेम इसी तरह है, किसकी तरह है, क्वेश्चन नंबर 26 की तरह है। क्या कह रहा है, द मास ऑफ ए ब्रिक इज 2 kg 750 ग्राम, व्हाट इज द टोटल मास ऑफ 14 सच ब्रिक्स। एक ईंटे का जो वजन है या जो एक ब्रिक है उसका जो मास दिया गया है वो कितना दिया गया है, 14 ब्रिक्स का निकालना है, बहुत इजी है, 1 का दिया है, ज्यादा का निकालना है, क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा, आ जाएगा ना, इसको कर जरूर लीजिएगा, स्टेटमेंट भी बहुत इजी है। फिर क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ आते हैं, इसमें देखिए क्या कह रहे हैं, द टोटल मास ऑफ 8 पैकेट्स ईच ऑफ द सेम साइज इज 10 kg 600 ग्राम, व्हाट इज द मास ऑफ ईच सच पैकेट। कह रहे फिर वही चीज, क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 27 की तरह 8 पैकेट का मास दिया गया है और हमको या हमसे 1 पैकेट का पूछ रहा है, फिर क्या कर देंगे दोनों को डिवाइड कर देंगे आंसर आ जाएगा, आ जाएगा समझ में, कुछ कुछ नहीं करना, दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा आंसर जरूर आ जाएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व किए देता हूं, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 लिखा है, ए रोप ऑफ लेंथ 10 मीटर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 8 पीसेस ऑफ द सिमिलर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस। कह रहा है एक रस्सी है जो 10 मीटर लंबी है, उसको 8 टुकड़ों में काट दिया गया, बराबर टुकड़ों में काट दिया गया, पूछा है कि 1 टुकड़े या 1 पीस का जो लेंथ है वो कितना होगा, फिर वही चीज ज्यादा का दिया 1 का निकालना डिवाइड कर देंगे, ज्यादा का कैसे दिया देखिए, 30 नंबर में लेंथ ऑफ 8 पीसेस मतलब कि 8 टुकड़ों में अभी कटा तो नहीं है ना, तो अभी तो वही दिया गया 8 पीसेस की लेंथ, 8 पीसेस की जो लेंथ दी गई वो कितनी दी गई, 10 मीटर ही दी गई है ना, हाँ 8 पीसेस की जो लेंथ है वो 10 मीटर है, तो ईच पीस का मतलब 1 पीस मतलब कि हर एक पीस बराबर है, तो प्रत्येक पीस जो होगा वो कितना लंबा होगा, तो यहां पर 1 पीस का निकालना है, तो 1 पीस का क्या जाएगा 8 का दिया है, 1 का निकाला है मतलब कि ज्यादा का दिया है 1 का निकालना है, तो क्या करेंगे दोनों को डिवाइड कर देंगे, आइए डिवाइड करते हैं, 8 से डिवाइड करेंगे 10 को, 8 बन जा 8 2 आया पॉइंट लगाते हैं 0 बढ़ाते हैं, 8 2 जा 16 फिर यहां पर आया 4 फिर पॉइंट लगा 0 बढ़ाया 8 5 जा 14 और कितना आ गया इतना मतलब कि 1.25 मीटर। आपका आंसर सही है बट इसमें यहां पर पॉइंट दिया है डेसिमल दिया है तो इसको और छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए तो इससे फिर जो डेसिमल होगा वो क्या हो जाएगा हट जाएगा तो इससे और छोटी यूनिट में चेंज करना चाहे या करना पड़ेगा आपको और कर भी लीजिए आ भी जाना चाहिए और इससे छोटी यूनिट में आप चाहे तो इसको किसमें कर सकते हैं सेंटीमीटर में क्यों क्योंकि जो लेंथ है वो मीटर और सेंटीमीटर में ही मोस्टली गिवन रहती है तो इसको चेंज करते हैं
1.25 मीटर को चेंज करना है सेंटीमीटर में, फिर वही चीज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1.25 मीटर इज इक्वल टू वही चीज एक का दिया ज्यादा का निकालना, क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा 12500, 125 125 00 00, फिर टू प्लेसेस के पहले डेसिमल लगा तो यहां पर भी डेसिमल लग जाएगा, और एक चीज डेसिमल के बाद अगर जीरो लिखा होता है उसके बाद कोई संख्या नहीं होती तो उस जीरो की कोई भी वैल्यू नहीं होती, तो यहां पर क्या हट जाएगा ये दो को जीरो हट जाएगा, और जब दो को जीरो हट गया तो डेसिमल की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो फिर यहां पर ये कितना आ जाएगा मीटर, इसको हम लोग किसमें चेंज कर देते सेंटीमीटर में, तो यहां पर क्या आ जाएगा सेंटीमीटर आंसर। ठीक, देखिए यहां पर 125 सेंटीमीटर में किस का आंसर हो सकता है, और साथ ही इसको अभी और भी चेंज कर सकते हैं तभी आपका आंसर पीछे से मैच करेगा, कैसे चेंज करेंगे अभी सेंटीमीटर में आ गया, इसको डायरेक्ट यहां से भी किया जा सकता था, तोड़ सकते थे आप, 1.25 मीटर है तो यहां पर जो पॉइंट इधर लिखा है वो हो जाएगा 1 मीटर और 25 सेंटीमीटर, और इसको चाहे तो इसको भी चेंज कर सकते हैं, अगर आप मीटर में चेंज करेंगे इसको तो 100 से डिवाइड करेंगे और आपका आ जाएगा 1 मीटर, और जो रिमाइंडर बचेगा वो सेंटीमीटर में, तो यहां पर आप चाहे तो इसको किसी भी तरह से कर सकते हैं, ये सिर्फ चेंज करना है बाकी कुछ नहीं इसमें, यहां पर यही आंसर सही था, आप डायरेक्ट यहीं से लिख दीजिएगा ये पॉइंट के जो लेफ्ट साइड में ये मीटर में हो जाएगा और ये किसमें हो जाएगा सेंटीमीटर में हो जाएगा। ठीक, आगे सबको समझ में, बस आपकी एक्सरसाइज 1C जो है वो यहीं से फिनिश होती है, एंड आई होप आप ये पूरी पूरी एक्सरसाइज आप अपनी कॉपी में लगा चुके होंगे। ठीक, और आप ये तभी लगाए होंगे जब आपको ये समझ में आई होगी, ये नहीं कि आपने यहां से देखा और तुरंत कॉपी में लिख लिया, आप इसको समझिएगा, जिसको ना समझना है मुझसे पूछ लेगा। ठीक, बस आज के लिए इतना ही, और इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा होगी, तब तक के लिए गुड बाय, and you take very good care of yourself.